आप कुछ बताएं। हाँ, किस चीज के बारे में बताएं? अच्छा, तो मेरी जो गो टू रेमेडी है, हाँ, जो मैं जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, वो है ये क्या जो है बेसन जिसके अंदर मैं थोड़ा सा नींबू, बेसन थोड़ा सा लेके जिसमें थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, ठीक है उसको एक पेस्ट बनाती हूँ, फिर उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालती हूँ, ओके, और फिर दही डालती हूँ। ये मेरी फेस की स्क्रब स्क्रब हाँ, बाल जब आपको लगे बहुत दिन हो गए फेशियल का टाइम ही नहीं मिल रहा, once in two weeks तो मैं ये करती हूँ okay. क्योंकि आप मेकअप जब लगाते हैं, आप वैसे भी बाहर जाते हैं मिट्टी और आप कॉन्स्टेंटली आप मुंह तो नहीं साफ कर सकते और कॉन्स्टेंटली मुंह धोना भी नहीं चाहिए बिल्कुल, तो मैं तो बिल्कुल मुंह कॉन्स्टेंटली नहीं धोती। हाँ, ये है कि कोई जो भी टोनर आपको पसंद है, अगर आप बाहर से वापस आए हैं घर में कोई ग्रोसरीज करके वगैरह, जब आप वापस आते हैं तो आप अपना मुंह जो है टोनर से साफ कर लें, ठीक है ना, या आप ठंडा पानी मार लें। हाँ, you know, अभी मैं देखती हूँ आपके ओपन पोर्स नहीं है, शायद यही वजह है कि आप जैसे बाहर से आती तो आप टोनर लगाती, जब टोनर से साफ कर लो क्योंकि मिट्टी उतरती है एकदम, आप देखते हो अपने टिश्यू पे अंदर से निकलती है वो मिट्टी निकलती है, या आप ठंडा पानी, सो साबुन आप जितना कम इस्तेमाल करो। मैं तो फेस वॉश यूज करती ही नहीं हूं, देखा, सो एट नाइट शैम्पू यूज करती हूं, दूसरी दोस्त फेस वॉश नहीं, मैं ये शैम्पू यूज करती, मैं फेस वॉश यूज करती, आई जस्ट डू क्लेंजर्स, ठीक है, और दिस इज माय न्यू फेवरेट क्लेंजर, आई लव इट, ये डॉक्टर्स रेकमेंडेड है, आई लव इट, ये मैंने भी रिसेंटली लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सो बस मैं रात को क्लेंजर से मुंह साफ करके, फिर ऑफ कोर्स माय रेटिनॉल, आई लव रेटिनॉल, मेरी एज के लिए तो बहुत बिल्कुल सही है, उससे भी पोर्स बहुत कम होते हैं। ऑर्डिनरी मेरा बड़ा बड़ा फेवरेट ब्रांड है, या मेरा फेवरेट ब्रांड है, ये सस्ता भी है कंपैरेटिवली, पाकिस्तान में मिल भी जाता है, मिल जाता है, लेकिन अगर आपको देसी लोकल ब्रांड इस्तेमाल करने तो हिरा अली इज वेरी गुड, जो मिरेकल ऑयल है ये बहुत अच्छा है, और तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चली, किसी ने बताया दोस्तों ने कि ये करके देखो इस्तेमाल, हाँ मतलब मैं ऑनलाइन भी देखती हूँ, इंस्टाग्राम पे हम सारे इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, यू नो, सो इन्होंने मुझे भेजा था, और ये हिरा लेके रेटिनॉल भी जो है, अगर आपने इसका लेना आप इसका भी ले सकते हैं, पर आई लव इट, पर मुझे ऑर्डिनरी का रेटिनॉल वगैरह बहुत अच्छा लगता है। एज फार एज दिस, ये अगर आप वंस वीक करोगे ना तो आपकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएट बहुत अच्छी होगी, और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं कभी कभार को नेचुरल का जो बेटर देन उपटन है वो भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, उसके अंदर भी आप थोड़ा शहद डाल लें, थोड़ा दही डाल लें, वो मिक्स बना होता है आपका स्किन के लिए, ये स्किन के लिए, बालों के लिए बस आई जस्ट बालों के लिए अगले इसमें पूछूंगी, चलो ठीक है। इफ यू वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड सो फॉलो एआईवाई डिजिटल्स यूट्यूब पेज।